हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू डेली मॉर्निंग करंट अफेयर्स क्लास फ्रॉम ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो फ्रेंड्स, आज है 6 मार्च 2020। 6 मार्च 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं करंट अफेयर्स के, आपको इसी वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेंगे। वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दें साथियों, आपको डेली मॉर्निंग में यदि हमारे साथ जुड़ना है करंट अफेयर्स की क्लास के साथ, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बगल में बेल आइकन ऑन ज़रूर दबा देना है, क्योंकि आपको यदि आपको हमारे साथ करंट अफेयर्स के साथ जुड़ना है तो आपका आगामी भर्तियों के लिए यह हमारी सीरीज जो है बहुत ही लाभदायक साबित होगी साथियों। तो आज की पूरे लेक्चर की पीडीएफ आप नीचे लिंक से प्रोवाइड हमने आपके लिए कर रखी है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं साथियों। आपको पीडीएफ को कैसे पढ़ना है, लेक्चर खुद से देखो एक बार, फिर आपको पीडीएफ खुद से सॉल्व करो एमसीक्यूज टाइप की। यदि आप इस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हो साथियों, आपके लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक साबित हो सकती है। तो आज की क्लास को हम शुरू करें इससे पहले आज का कोटेशन से हम आपको अवगत करा देते हैं साथियों। आज की हमारी कोटेशन है, आई एम नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमटांसिस, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। तो इसका हिंदी अर्थ क्या बनता है, मैं हालातों से निर्मित प्राणी नहीं, मेरा निर्माण मेरे फैसलों से हुआ है। तो अपनी हालातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। जो भी हालात आपकी हैं, जैसे भी हैं साथियों, अच्छी हैं, उनको दरकिनार कर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ, एक न एक दिन आपको लक्ष्य प्राप्ति में जरूर सफलता मिलेगी, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। तो आज की क्लास को शुरू करें पहले प्रश्न के साथ, शताब्दी सप्ताह मनाया जा रहा है। तो आज की डेट बतानी है आपको, जब से साथियों जन शताब्दी सप्ताह भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तो आपका सही आंसर जो है इसमें से 1 मार्च है। तो भारतीय जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जन शताब्दी सप्ताह साथियों 1 मार्च 2020 से देश भर में मनाया जा रहा है। इस जन शताब्दी सप्ताह मनाने का उद्देश्य क्या है और इसमें किस तरह से साथियों भारतवर्ष में इसको सेलिब्रेट किया गया है, इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय जन औषधि केंद्रों में के जो मालिक हैं साथियों, यानी जो जन औषधि केंद्रों के जो ऑनर हैं, 6200 से अधिक जो जन औषधि केंद्रों के ऑनर हैं, वो इस अवसर पर पार्टिसिपेट करेंगे और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में पूरे भारतवर्ष में जागरूकता बढ़ाएंगे और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेंगे। तो इस तरह से यह साप्ताहिक कार्यक्रम भारतवर्ष में पूरे जागरूकता बढ़ाने, यानी जन औषधि से आप कैसे अपनी पुरानी से पुरानी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, इस तरह के जो कार्य हैं साथियों जन औषधि केंद्र के 6200 से अधिक मालिकों द्वारा किया जाएगा और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। तो इसका सही आंसर देना है आपको जन शताब्दी सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च 2020 के बीच पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर को। दूसरे प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं साथियों, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण कब शुरू किया गया। तो आपको बताना है स्वच्छ भारत मिशन यानी SBG का दूसरा चरण की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही आंसर जो है साथियों वह है 4 मार्च 2020 से, ऑप्शन नंबर क। तो 4 मार्च 2020 से साथियों पूरे भारतवर्ष में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत हुई साथियों। इस वर्ष इसको किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, देश में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में साथियों प्रभावी जो ठोस और तरल कचरा है उसको सुयोजित किया जाएगा, यानी उसके प्रबंधक की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से भारत ने पूरा लक्ष्य रखा है साथियों, अपने ग्रामीण स्तर को हम किस तरह से स्वच्छ कर सकते हैं। तो दूसरे चरण में इसको पूरा निपटारा किया गया है, किसका, तो प्रभावी ठोस और तरल कचरा है। तो इसका सही आंसर आपको देना है 2 का क, 4 मार्च 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत हुई दूसरे चरण की। तीसरे प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं, हाल ही में BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा किसे राष्ट्रीय पैनल का सदस्य नियुक्ति किया गया है, यानी BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति ने किसको सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी को क्रिकेट सलाहकार के रूप में BCCI ने नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर ख, सुनील जोशी। चौथे प्रश्न है आज का हमारा, हाल ही में ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो आपको उस प्लेयर, भारतीय प्लेयर, महिला प्लेयर का नाम बताना है जिसने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शीर्ष स्थान पर बनी है। तो इसका सही आंसर है शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा जी हैं साथियों हमारी महिला टीम की एक प्लेयर हैं, उन्होंने ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भी प्रथम स्थान पर बनी हुई हैं पूरे विश्व में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख।
पांचवा प्रश्न की ओर ले चलते हैं आपको। हाल ही में तुर्की में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में तुर्की में अब हमारे भारत के राजदूत होंगे साथियों, वो कौन होंगे? संजय कुमार पांडे। तो संजय कुमार पांडे जो हैं भारत के राजदूत होंगे कहाँ पर? तुर्की में। इसमें हमने मेंशन नहीं किया साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो आपको ऑप्शन में से नहीं देखना है, आपको सही आंसर जो देना है वो है संजय कुमार पांडे क्या होंगे? तुर्की में भारत के राजदूत होंगे। तो छठे प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। 1 अप्रैल 2020 से कितने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक विलय होंगे? यानी बैंकों का विलय और हो रहा है साथियों 1 अप्रैल 2020 से, जो भी हमारे नेशनलाइज बैंक हैं उनका विलय हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से। केंद्र से इसकी मंजूरी मिल गई है, आपको बताना है कितने बैंकों का विलय हो रहा है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर गौ 10 बैंकों का, 10 नेशनलाइज बैंकों का 1 अप्रैल 2020 से विलय हो रहा है। तो कौन कौन से बैंक है साथियों, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का किसमें हो रहा है? ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया का किसमें हो रहा है साथियों? पीएनबी में। और सिंडिकेट का कैनरा में हो रहा है, और इलाहाबाद बैंक का भारतीय बैंक में हो रहा है साथियों, और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय हो रहा है। टोटल मिलाकर 10 बैंकों का साथियों, 10 जो नेशनलाइज बैंक है उनका विलय हो रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर गौ। सातवें प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यानी जो भी उनकी वहाँ की बस सेवा होगी, रेल सेवा होगी, उसको पूरी तरह से निःशुल्क करने का फैसला किस देश ने लिया है साथियों? इसका सही आंसर है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग करके एक देश है साथियों, उसने अपने जो भी परिवहन सुविधाएँ हैं, चाहे रेल यात्रा हो चाहे परिवहन जो बस सेवा हो, उसको पूरी तरह से निःशुल्क करने वाला पहला देश बन गया है लग्जमबर्ग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग। आठवें प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। हाल ही में आयोजित प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज का साथी। तो आपको बताना है हाल ही में आयोजित प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहां पर और किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है साथी वह है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, ऑप्शन नंबर ग। इसका क्या है? राइट आंसर है। तो इसका जो विषय है ये है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। तो हाल ही में आयोजित प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किसके द्वारा और इसका विषय क्या है साथियों? क्या है ये? सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज का विषय है और किसके द्वारा किया गया है साथियों? यह भारतीय सेना के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट देते हैं और क्या है इसका उद्देश्य, इसके बारे में आपको जागरूक करते हैं थोड़ा सा। तो प्रज्ञान कॉन्क्लेव नई दिल्ली में शुरू हुआ साथियों, और 2 दिवसीय कार्यक्रम है। यह भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का एक हिस्सा है साथियों, और आयोजकर्ता है इसके सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, इसका विषय रखा गया है इस बार। तो इसका जो उद्देश्य है साथियों, इस कार्यक्रम के तहत जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ होंगे, उनको जैसे भूमि युद्ध में कैसे चरित्र, भूमि युद्ध में के बदलते चरित्र और सैन्य पर इसमें प्रभाव पर जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है। तो प्रज्ञान कॉन्क्लेव नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज का हमारा। तो उसका विषय इसके बारे क्या रखा है? सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर। हमारा हाल ही में किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया है? तो उसका सही आंसर जो है साथियों वह है अजय कुमार पांडे। तो अजय कुमार पांडे जी होंगे साथियों अब हमारे नए भारतवर्ष के नए वित्त सचिव के रूप में इसको नामित किया गया है। इसका सही आंसर है 9 का क आपका। 10वें प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। इनमें से कौन सा अधिनियम कंपनी का दूसरा अधिनियम विधेयक 2019 में संशोधन करेगा? आपको उस अधिनियम का नाम बताना है। आंसर है कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन कर कंपनी विधेयक 2019 को मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा मिल गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग आपका। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, हाल ही में कहां पर महिलाओं द्वारा पहली ट्रेवल कंपनी की स्थापना की जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, लद्दाख में। तो लद्दाख में हाल ही में महिलाओं द्वारा पहली ट्रैवल कंपनी की स्थापना की जा रही है, और ये जो आयोजक करता है यानी जो किसने इसको आयोजन किया गया है, तो थिनलास कोरोल ने साथियों, जो थिनलास कोरोल है उन्हें महिलाओं की ट्रैकिंग गाइड के लिए लद्दाख में पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पहली महिला ट्रैवल कंपनी की शुरुआत की गई है। इसमें जो भी प्रशिक्षण करने के लिए आएंगे साथियों, उन महिलाएँ, उनके लिए पूरी की पूरी सुविधाएँ यहाँ पर हैं, क्योंकि जो प्रशिक्षण
करता है वो ही महिलाएं हैं। तो इस तरह से साथ पूरी महिलाओं द्वारा पहली ट्रैवल कंपनी की शुरुआत कहाँ पर हुई है? लद्दाख में हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग, लद्दाख में। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर से अवगत कराया 6 मार्च के। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। यदि कोई आपकी प्रश्न में आपको डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू एक बार फिर से। नए हो तो सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस।